सुमेरपुर तकतगढ़ समेत ग्रामीण क्षेत्रों में मन की बात का 110वां एपिसोड सुना। राज्यसभा सांसद मदन राठौर समेत भाजपा कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राओं ने एक निजी विद्यालय में टीवी की बड़ी स्क्रीन लगाकर मन की बात सुनी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ने मन की बात सुनकर कहा कि जब मन की बात शुरू हुई है तब से समाज को जागरूक करने के लिए पीएम मोदी नई नई बातें देशवासियों को बताते हैं। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। मन की बात का कार्यक्रम जब से और प्रसारण शुरू किया है तब से नई नई बातें समाज को जागृत करने के लिए, युवा पीढ़ी को, बच्चों को संस्कार देने के लिए कई महत्वपूर्ण उन्होंने बातें रखी है। और आज जो उन्होंने रखा है कि किस प्रकार से आधुनिक खेती की जाए, ड्रोन दीदी का कैसे उपयोग किया जाए, इन्हें ड्रोन से किस प्रकार से और अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं, उसमें क्या छिड़काव करना है दवा वगैरह का, वो सब सिखाया। इसके अलावा उन्होंने और जैसे जीव जंतुओं को कैसे और उनकी प्रजाति को समाप्त नहीं होने देना है, उसको कैसे संरक्षण करना है, फिर है ना बच्चों को भी कैसे संस्कारित करना है, नई नई बातें जो देश के अंदर प्रतिभाएं हैं उनको कैसे निखारना चाहिए, ये सब बातें वो मन की बात में कहते हैं। खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास देखिए कि उन्होंने कहा कि 111वीं मन की बात यानी 3 महीने बाद करेंगे, मीन्स वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और निश्चित रूप से वो ये बात यानी मन की बात कहेंगे। बहुत बड़ी बात है ये, आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है और मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास के साथ और कर्म क्षेत्र में उतरना चाहिए तो निश्चित रूप से सफलता उसके हाथों में रहेगी।